बीजेपी नूं हराउण लई विरोधी धिरां वल्लों बनाए गए इंडिया गठजोड़ नूं लै के पंजाब विच बिखेड़ा शुरू हो गया जी। हाँ, कांग्रेस से पंजाब प्रधान अमरिंदर सिंह राजा बनिंग मगरों हुण आम आदमी पार्टी की सीनियर लीडर ने कैबिनेट मंत्री का वड्डा बयान सामने आया। कैबिनेट मंत्री अनमोल गगन मान ने कहा है कि कांग्रेस नाल कोई गठजोड़ नहीं करेंगे। अनमोल गगन मान ने कहा है कि वह कांग्रेस नाल सीटा की कोई वंड नहीं करेंगे, आप पंजाब दी सारियां सीटा ते अपने दम ते चोण लड़ेगी। अनमोल गगन मान ने कहा है असीं पंजाब च वखरे तौर ते चोण लड़ांगे ते कांग्रेस नाल सीटा की कोई वंड नहीं होवेगी। उन्होंने इंडिया गठजोड़ बारे कहा है कि पंजाब की राजनीति वखरी है ते इत्थे असीं वखरे ढंग नाल लड़ांगे। मंत्री ने इत्थों तक यह भी कहा है कि जो कह रहे ने वह पार्टी की राय ते पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान का फैसला है। पंजाब च कांग्रेस नाल कोई समझौता नहीं होगा ते असीं सारियां 13 सीटां ते खुद चोण लड़ांगे। इस तों पहला पंजाब कांग्रेस दे प्रधान अमरिंदर सिंह राजा बड़िंग ने भी कहा सी कि पंजाब विच आम आदमी पार्टी ते कांग्रेस दा कोई गठजोड़ जो है नहीं होगा। उन्होंने स्पष्ट किया सी कि पंजाब दीआं 13 लोक सभा सीटां ते असीं चोण लड़ांगे ते सानूं हाईकमान ने भी यही किया है कि 13 सीटां ते चोण लड़न की तैयारी करो। उत ही दस दिए कि अगली लोग सभा चोणों लिए हूँ आम आदमी पार्टी गठजोड़ में लैके पंजाब कांग्रेस दुविधा के हाईकमान के फैसले लैके सूबे के कांग्रेसी लीडर वंडे हुए दिखाई दे रहे हैं। एक पास पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा बड़िंग ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस पंजाब दी सारियां 13 लोग सभा सीटा से चोण लड़ेगी। उत्त सीनियर लीडर नवजोत सिंह ने गठजोड़ का पक्ष पूरिया। नवजोत सिद्धू ने संविधानिक संस्थावां ते अगलियां पीढ़ियां नूं बचाउण दा हवाला दिंदे होए कहा है कि हाईकमान ने इंडिया गठजोड़ विच शामिल होण दा सही फैसला किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान दा फैसला सर्वोच्च है, यह एक वड्डे काज लई है। संविधानिक कदरां कीमतां तों मुक्त कराउण लई राष्ट्रीय हितां नूं सर्वोच्च रख्या गया है। लेकिन उत्थे ही दूजे पास सानूं दस दिए कि पहला पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा बड़िंग ने कहा कि पंजाब विच आम आदमी पार्टी ते कांग्रेस दा कोई गठजोड़ नहीं है। हुण इस नूं लैके जो है कैबिनेट मंत्री अनमोल गगन मान ने भी यही गल कही है कि वह कांग्रेस नाल सीटा की कोई वंड नहीं करनगे। तो दस दिए कि उन्होंने कहा कि मीडिया बार बार एक ही गल पूछ रही है, क्या कि इंडिया अलायंस डेमोक्रेसी नूं बचाउण लई है। जो लोग इस विच इकट्ठे होए ने उन्होंने चोण चिन्ह अलग अलग ने, उन्होंने झंडे अलग अलग ने। उन्होंने यही मानना है कि मोदी जी नूं जाना चाहिए। पंजाब विच अजिहा नहीं है, पंजाब विच आम आदमी पार्टी सामने कांग्रेस लड़दी है। राजा बड़िंग ने कहा कि देश के पंजाब के मुद्दों असीं लगातार चुक रहे हैं, पंजाब सरकार खिलाफ असीं कई धरने भी लाए ने। तो उन्होंने कहने का मतलब स्पष्ट है कि जदों मोदी खिलाफ़ लड़ाई है तो असीं इकट्ठे कि हुण अनमोल गगन मान वालों कहा गया है कि कांग्रेस नाल सीटा की कोई वंड नहीं करनगे। जो हुण है आम आदमी पार्टी जो है 13 सीटा ते कल्ले चोण लड़ेगी, तो उत्थे दूजे पासे कांग्रेस भी अपनी 13 सीटा ते अपने दम ते चोण लड़ेगी। प्रभदयाल गजाधारी ज्वेलर्स जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा आपकी खुशियों के साथ, आशापूर्णी मंदिर पठानकोट से मनचंदा टावर ढलोजी रोड। प्रभदयाल गजाधारी ज्वेलर्स जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा आपकी खुशियों के साथ, आशापूर्णी मंदिर पठानकोट से मनचंदा टावर डलहौजी रोड। प्रभदयाल गजाधारी ज्वेलर्स जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा आपकी खुशियों के साथ, आशापूर्णी मंदिर पठानकोट से मनचंदा टावर डलहौजी रोड।